हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 में 11 से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी क्वेश्चंस थे हमने इसे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। सो हम लोग आगे आज क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं 11 से। तो देखिए 11 क्वेश्चन नंबर क्या है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टैन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसको क्या करना है? तो क्वेश्चन आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है इसकी कितनी होगी। तो चलिए देखिए क्या होगा इसकी वैल्यू। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लास्ट से सॉल्व करते स्टार्ट करना है। 2 sin इनवर्स 1/2, अब देखो कि sin इनवर्स 1/2, 1/2 में हम लोग sin का क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम लोग बाकी सब कुछ सेम रखते हुए क्या कर रहे हैं कि sin इनवर्स यहां पर 1/2 के बदले में हम लोग पुट करने जा रहे हैं sin इनवर्स पाई बाई 6। क्यों? क्योंकि sin इनवर्स पाई बाई 6 यानी कि 180/6 यानी कि 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो इसलिए हम लोग 1/2 के बदले में साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं। और साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है, एक्स, अपने यही फॉर्मूला तो पीछे पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पाई बाई 6 को बाहर निकालेंगे और यहाँ 2 से 6 कैंसिल करके क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3। अब आप बताओ कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, 2 कैंसिल होने के बाद आपके पास ये टैन इनवर्स 1 हो जाएगी। और टैन इनवर्स 1, तो ये 1 के बदले में आप क्या पुट कर सकते हो, tan पाई बाई 4। और tan इनवर्स tan x की वैल्यू कितनी होती है, x यानी पाई बाई 4। और ये आपके रेंज के अंदर भी है, तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, cot ब्रैकेट में है tan इनवर्स है प्लस cot इनवर्स है। हमने पीछे फॉर्मूला में पढ़ा हुआ है कि सिंस क्या tan इनवर्स है प्लस cot इनवर्स है की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 होती है। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दे पाई बाई 2, तो यहाँ पे सिर्फ cot पाई बाई 2 हो जाएगी, और cot पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। हो गया इसके आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 13। 13 क्वेश्चन में क्या होगा, 13 क्वेश्चन में है tan 1/2 sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला, किसी फॉर्मूले पर ही सेट है। ये किस फॉर्मूले पर सेट है, 2 tan इनवर्स x, यानी कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये sin के टर्म में लिखा हुआ है, और ये 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला cos के टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, बस हम क्या किया, दोनों का फॉर्मूला पुट कर दिए। अब आप देखो ध्यान से, दोनों में 2 कॉमन है, यहां से 2 को बाहर निकाल सकते हैं, फिर tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बच जाएगा। तो ये कैंसिल होकर आपके पास सिर्फ यहाँ tan बचेगा, और tan इनवर्स x + tan इनवर्स y की फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दीजिए आप, x + y बटा 1 माइनस एक्स वाई tan इनवर्स आगे रहेगा, और tan tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, x। तो हम लोग यहाँ इसको बाहर निकाल देंगे, ये हो गया आंसर। देखिए 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है क्योंकि यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। If आपके पास ये गिवन क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पहले क्या कर लो कि आप, मैं यहाँ पे क्या कर दी हूँ कि साइन को राइट हैंड साइड लेके चली गई हूँ, बाकी सबको ऐसे उतार दिया मैंने, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 1 हो गया, 1 में हम लोग फिर क्या करेंगे, 1 की जगह हम लोग देखेंगे कि साइन में किसकी वैल्यू होती है 1, किस डिग्री की वैल्यू होती है 1। तब जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो 1 के बदले में साइन पाई बाई 2 पुट कर देंगे, बाकी सबको ऐसे उतार दिया मैंने। अब साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स होती है, तो यहाँ पाई बाई 2 बाहर निकल जाएगी आपका। अब देखो ध्यान से कि साइन इनवर्स ये जो कॉस इनवर्स एक्स है उसको हम राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2 होती है, तो साइन इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अगर हम उसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो याद देखो, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो हम लोग क्या करें, एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो अगर राइट हैंड साइड साइन इनवर्स ले जाएंगे तो सिर्फ साइन बच जाएगा, तो साइन साइन इनवर्स एक्स यानी कि एक्स बाहर निकल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1/5 को बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से मेरे पास एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, 15 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपके पास गिवन क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए सिंपल से ये फॉर्मूला पर सेट है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये x की जगह पर मान लो, ये y की जगह पर वैल्यू पुट कर दो। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 है। आप क्या कीजिए कि जो आपके पास जो tan इनवर्स है, ठीक है, आप उसको राइट हैंड साइड लेके चले जाइए, बाकी आप यहाँ पर एलसीएम लेके जो भी सॉल्व कर सकते हैं कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, तो x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 हो गया। एलसीएम लेने के बाद ये यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये सब आप कर सकते हैं, इसमें मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो tan पाई बाई 4 हो गया। यहाँ से सब कुछ कैंसिल होने पर क्या होगा, ये आपस में इंटू हो जाएगा, ये आपस में इंटू, सब कुछ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे से पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाएगा, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाएगा, और tan पाई 4 की वैल्यू होती है 1। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सब कुछ सॉल्व करने के बाद 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 बचा, और यहाँ से x स्क्वायर ये ब्रैकेट हटाइएगा तो माइनस स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा माइनस 4, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 1 यानी कि माइनस 3।
इधर वैल्यू हो गया वन, आप इसको सॉल्व कर लोगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा। टू एक्स स्क्वायर आप क्या करो, माइनस फोर को यहाँ भेजोगे तो यहाँ वन हो जाएगा, तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा तो स्क्वायर हटेगा, तो प्लस माइनस वन बाई रूट टू। इस तरीके से मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया, जो कि काफी इजी क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से, 16 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर भी फाइंड करनी है। साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री, तो आप तो कहोगे बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ से तो टू पाई बाई थ्री बाहर निकाल लेंगे, लेकिन आप बताओ कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होता है, क्या ये आंसर इसके बीच में है? तो देखिए 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, बटे में आप 3 पुट करोगे, 3 से कैंसिल कितना हो जाएगा 60, आप इसको इनटू कर दो 120, ये तो 90 से बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि ये रेंज के अंदर नहीं है, आप यहाँ पे 2 पाई बाई 3 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस एक्स सॉरी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होगी, तो हम लोग इसको रेंज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई बाई 3 के बदले में देखो तो इतना लिख सकते हैं कि नहीं, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, और हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर जो 2 पाई बाई 3 आप क्या कर दो, पाई बाई 3 को साइड में कर लो, और आप यहाँ पर लिखिएगा कि यहाँ पर कितना पाई रखा जाए कि इससे 3 से इंटू करने पर, और यहाँ प्लस भी हो सकता है कभी माइनस भी हो सकता है, आपको 2 पाई लाना है, उसके लिए क्या करें, तो मैंने यहाँ पर देखा कि अब 1 पाई रखेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, तो मुझे यहाँ माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मुझे माइनस कर, यानी कि 2 पाई बाई 3 को पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, और साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, इसलिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे एक्स पाई बाई 3 बाहर निकले, क्योंकि थीटा की जगह पर है, ठीक है। फिर साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू होती है एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू बाहर निकल जाएगी, और ये जो आपकी वैल्यू है पाई बाई 3 60 डिग्री जो आपके पास है वो इसके रेंज के बिल्कुल बीच में है, तो ये मेरा आंसर सही है। सेम यहाँ पर केस देखिए, टैन इनवर्स आपके पास है टैन 3 पाई बाई 4, क्या आपको लगता है कि इसका आंसर 3 पाई बाई 4 होगा? तो आप पहले उसके चेक कर लो, टैन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है। आपका जो 3 पाई बाई 4 है वो क्या होता है, वो 135 डिग्री आगे इसको सॉल्व करोगे तो 135 तो 90 से अबव है, तो आपको इसको रेंज के अंदर लाना होगा। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके रेंज में कन्वर्ट करने के लिए पाई में से माइनस कर लेंगे। देखिए टैन इनवर्स टैन पाई माइनस पाई बाई 4 हम क्यों लेंगे, देखिए आप जो भी लिखा हो पाई बाई 4 ना आप उसको साइड में लिख लीजिए, उसके बाद आप 4 का टेबल देखिए कितने टाइम्स पढ़े, और उसके बाद यहाँ पर ऐड भी करें या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आए, तो आप देखेंगे 4 का टेबल यहाँ पे 3 ही लाना है, तो 1 टाइम्स ही पढ़ लेंगे, और यहाँ माइनस करेंगे तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, और आप फिर आप जानते हो कि टैन पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस टैन थीटा होता है, तो टैन पाई माइनस थीटा को माइनस टैन थीटा पुट कर दे रहे हैं हमें, और ये माइनस को हम लोग अंदर भी ला सकते हैं, क्यों, क्योंकि टैन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टैन थीटा ही होता है, तो ये माइनस को हम लोग अंदर भी ला सकते हैं। अब देखो टैन इनवर्स टैन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस पाई बाई 4, क्या ये रेंज के अंदर है, ये माइनस 45 है, रेंज क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, तो बिल्कुल सही है, इसके रेंज के अंदर है ये। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 17 कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 18 के ऊपर। देखिए 18 क्वेश्चन क्या आपके पास है, 18 जो मेरे पास क्वेश्चन है वो टैन है, और ब्रैकेट में आपके पास साइन इनवर्स 3 बाई 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 बाई 2, बाहर आपकी वैल्यू टैन दी हुई है तो हम दोनों को टैन में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी कितनी होगी। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो कि जैसे साइन इनवर्स 3 बाई 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन इनवर्स 3 बाई 5 अगर है तो मुझे ये नहीं पता कि किस डिग्री का मान है, क्योंकि अगर यहाँ मान लीजिए 1 बाई 2 होता तो हम साइन 30 डिग्री पुट कर देते थे, लेकिन 3 बाई 5 मुझे वैल्यू नहीं मालूम है एग्जैक्ट किसकी है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स 3 बाई 5 को मान लेंगे थीटा। ऐसे कोई भी वैल्यू जो कि हमको यहाँ पर एक्यूरेट पता नहीं है तो उसे हम थीटा मान के भी सॉल्व करते हैं, तो मान लिया पर थीटा। अब देखो कि साइन इनवर्स राइट हैंड साइड जाएगा तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, एंड 3 बाई 5 यहाँ सिर्फ बचेगा आपके पास, यानी साइन थीटा इक्वल टू 3 बाई 5, तो पी और एच की जगह पर हो गया, क्योंकि साइन इक्वल टू पी बाई एच होता है, हम लोग क्या कर लेंगे बेस निकाल लेंगे, तो बेस के लिए क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच की जगह पर 5 है, 5 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर लेके घटा देंगे तो 16 आएगा, 16 का रूट आपका हो जाएगा 4, बाहर चूंकि टैन था ना तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को टैन में ही कन्वर्ट करेंगे। तो देखो तो टैन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पी बाई बी, तो पी की वैल्यू कितना आपके 3, बी की वैल्यू कितना 4 यानी कि 3 बाई 4, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो थीटा का मान यहाँ से निकालोगे तो टैन इनवर्स 3 बाई 4 हो जाएगा, थीटा थीटा का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आप थीटा किसको माने थे, थीटा एट साइन इनवर्स 3 बाई 5, तो साइन इनवर्स 3 बाई 5 को टैन में कितना लिख सकते हैं, टैन इनवर्स 3 बाई 4 लिख सकते हैं। अब उसके साथ साथ बगल में देखिए कॉट इनवर्स 3 बाई 2 है, इसको टैन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम काम कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा फॉर्मूला के ऊपर सेट हो गया तो काफी आसानी से भी हो जाएगा। कॉट इनवर्स 3 बाई 2 को लिख सकते हैं टैन इनवर्स 2 बाई 3, क्यों, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है टैन इनवर्स 1 बाई एक्स, यानी कि हम कॉट को टैन में कन्वर्ट करना सिर्फ इसको अपोजिट कर देना है, बस अपोजिट कर दिया मैंने, यानी इसको भी टैन में लेके आ दिया और इसको भी हम लोग टैन में कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों को क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 3 बाई 5 जो ये पुट कर दिया
और कॉट इनवर्स 3/2 की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई के फॉर्मूला पे मैंने तोड़ दिया इसको। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद सब पूछिए कितना हो गया, टैन टैन इनवर्स 17/6 हो गया, जहां से टैन टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो यहाँ 17/6 मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, हम 19 करते हैं। 19 जो क्वेश्चन है, अब यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखिए 19 क्वेश्चन में क्या है, 19 क्वेश्चन में कि कॉस इनवर्स कॉस 7/6 इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो पहले चेक कर लो क्या इसके रेंज के बीच में, क्योंकि आप तो कहोगे 7/6, देखिए आपके ऑप्शन में भी है, लेकिन 7/6 के आंसर होगा। कोई भी इनवर्स के केस में आप आंसर देने से पहले उसके रेंज भी जरूर चेक कर लीजिए। तो 7/6 है, आप जानते हैं कि 7 × 180 करेंगे, बटे में 6 करेंगे, 6 कटाएंगे कितने बार में, 30 बार में, और ये हो जाएगा 210। और कॉस का रेंज होता है 0 से पाई के बीच में, यानी 0 से 180, 180 से तो काफी बड़ा हो गया, तो आपका 7/6 आंसर नहीं होगा। तब इसको हम रेंज के अंदर करेंगे। रेंज के अंदर कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, तो आपको मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर जो पाई बाई सिक्स उसको साइड में कीजिए और सिक्स का टेबल देखिए कितने टाइम्स पढ़े कि हम लोग उसमें इंटू करने के बाद और फिर यहाँ पर जोड़ने चाहे घटाने पर 7 आ जाए, तो 1 टाइम्स ही पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें एक ऐड करना पड़ेगा, तो वही होगा पाई प्लस पाई बाई सिक्स, ठीक है। इसको सब कुछ सॉल्व करने के बाद 7/6 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा की जगह पर मैंने ये पुट कर दिया। अब कॉस माइनस में यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, माइनस को तो डायरेक्ट अंदर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी फिर मेरा रेंज के अंदर नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉस पाई माइनस पाई बाई सिक्स करेंगे, ठीक है। तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स करने से क्या फायदा है मेरे पास, क्योंकि 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा ही होता है, इस माइनस के बदले हम इतना लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई 5/6। अब चेक कर लो 5 पाई बाई जो 6 है वो 0 पाई के बीच में है या नहीं, तभी तो मेरा आंसर होगा। तो देखिए ये 30 बार में गया और ये 150, यानी 0 180 के बीच में है, 150 आ गया, तो 0 180 के बीच में 150 लाइज करेगा। सो मेरा आंसर 5 पाई बाई 6 होगा, ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया मेरे पास 20 क्वेश्चन नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन है। साइन है पाई बाई 3 माइनस साइन वर्स माइनस 1/2, आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ब्रैकेट में साइन वर्स माइनस 1/2 के बदले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ तक सेम ही है, यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 में साइन 30 डिग्री के वैल्यू होते हैं, साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6, माइनस है तो माइनस को यहीं रखिए। अब देखिए आप साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 6, तो आप पढ़े होंगे कि हम लोग पढ़े हैं पीछे कि साइन इनवर्स में अगर केस में अगर माइनस एक्स होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। आप इस माइनस को फिर यहाँ लाओगे और यहाँ पे लाने के बाद क्या करोगे, फिर अगले स्टेप में आप माइनस पाई बाई 6 को बाहर ही निकालोगे, क्योंकि साइन इनवर्स साइन इक्वल टू एक्स होता है, तो इसलिए ये माइनस पाई बाई 6 यहाँ से बाहर निकलेगा। उसके बाद माइनस माइनस को आप प्लस कर दोगे, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 एलसीएम ले लीजिएगा, तो 6 हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई यानी 3 पाई बाई 6, और 5 बाई 2 फाइनली आएगा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, डी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन नंबर में आपके पास है टैन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, क्या करेंगे इसके लिए। तो मुझे चार ऑप्शन चेक करना है कौन सा सही है, तो √3 के बदले में आप क्या पुट कर दोगे, टैन पाई बाई 3, क्योंकि टैन 60 डिग्री की वैल्यू √3 की होती है। अब यहां पर देखिए कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कर दें आप कॉट इनवर्स, अब ये √3 किसकी वैल्यू होती है, तो पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो कॉट पाई बाई 6 मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ से पाई बाई 3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से पाई माइनस पाई बाई 6 यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अब इसको देखेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई यानी पाई पाई बाई 6, और एलसीएम यहाँ पर जब ले लीजिएगा तो 2 पाई माइनस पाई यानी कि माइनस 3 पाई बाई 6 यानी कि माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से मेरे पास एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 2.2 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।